नमस्कार दोस्तों, 29 जून के सुजालपुर मंडी के लहसुन प्याज के आधिकारिक आंकड़े हमें मिल चुके हैं। देख लेते हैं कितनी तेजी मंदी हमें प्याज और लहसुन के भाव में देखने को मिली और कहां तक अधिकतम भाव प्याज और लहसुन के सुजालपुर मंडी में 29 जून को देखने को मिले। इससे पहले दोस्तों, पिछले वीडियो में जिन सभी लोगों ने कमेंट किया, लाइक किया, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में भी ऐसे ही कीजिएगा, जिन्होंने कमेंट किया उन सभी के नाम ये रहे स्क्रीन पर। दोस्तों तो बढ़ते हैं भाव की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं आवकों की, तो करीब 11,000 कट्टे के आसपास आवके देखने को मिली। वहीं प्याज के आवके 6,000 कट्टे और लहसुन के आवके 5,000 कट्टे। इस आवकों की बस एक ही बात है दोस्तों, तेजी देखने की, कि प्याज के भाव में थोड़ा सा सुधार आया, उसी कारण से तेजी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम प्याज के अधिकतम भाव की बात करते हैं आज, तो 1,515 रुपये अधिकतम भाव सुजालपुर मंडी में प्याज का देखने को मिला। वही अधिकतर प्याज 900 रुपये से लेकर 1,300 रुपये के बीच में देखने को मिला, अच्छी क्वालिटी का। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं प्याज लहसुन की दोस्तों, तो लहसुन के अधिकतम भाव 3,402 रुपये देखने को मिले। तो लहसुन में कोई ऐसा फर्क नहीं है दोस्तों, जैसा पिछले कई दिनों से चले आ रहा है वही भाव आसपास हमें देखने को मिल रहा है। वही अधिकतर लहसुन वही 2,000 रुपये से लेकर 3,200 रुपये के बीच में ही देखने को मिला। कुछ ही लहसुन अच्छा क्वालिटी का जो होता है वही 2,700-2,800 के ऊपर जाता है दोस्तों, बाकी तो यही चल रहा है। और आने वाले समय में देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है। दोस्तों आज आप सभी से मेरा एक सवाल है दोस्तों, कि किस भाव पर आप अपना प्याज निकालने की कोशिश करेंगे, नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपका नाम भी ऐसे ही स्क्रीन पे दिखेगा जैसे स्टार्टिंग में दिखा था दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे।